हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे gzip और gunzip कमांड का यूज। gzip एक कंप्रेस टूल है जिसका यूज फाइल की साइज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है और ये सभी लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। gunzip कमांड का यूज gzip फाइल को अनकंप्रेस या अनजिप करने के लिए किया जाता है। रिसेंट ईयर्स में gzip और gzip 2 मोस्ट कॉमनली यूज डेटा कंप्रेशन टूल्स है। gzip का कंप्रेशन रेशियो उतना बेटर नहीं होता जितना gzip 2 का होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि gzip और gunzip कमांड को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं। यदि आप रेड हैट, सेंटोस और फेडोरा बेस्ड मशीन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा yum-y स्पेस इंस्टॉल स्पेस gzip स्पेस gunzip। और यदि आप Ubuntu और Debian बेस्ड मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस gzip स्पेस gunzip। यदि आप किसी सिंगल फाइल को gzip टूल की सहायता से कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए gzip टूल का या gzip कमांड का सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना है gzip और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप file1.txt फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं gzip टूल के सहायता से तो उसके लिए gzip कमांड रहेगा gzip स्पेस file1.txt। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड file1.txt फाइल को रिप्लेस करके इसके कंप्रेस अचीव फाइल file1.txt.gz फाइल क्रिएट करेगा, यानी आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी ये उसे रिमूव कर देगा और उसकी जगह उसका कंप्रेस अचीव क्रिएट करेगा। gzip टूल की सहायता से आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ एट ए टाइम कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 को एक साथ कंप्रेस करना चाहते हैं gzip टूल की सहायता से तो उसके लिए gzip कमांड इस प्रकार रहेगा gzip स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 स्पेस फाइल 3, यानी वन बाय वन आपको उन फाइल्स के नेम मेंशन करने। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड वन बाय वन उन फाइल्स को कंप्रेस करेगा और ये कमांड भी और उनकी ओरिजिनल फाइल को रिमूव करके उनकी जगह उनका कंप्रेस अचीव क्रिएट करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो भी रहे और साथ में उसका कंप्रेस अचीव भी क्रिएट हो जाए या कंप्रेस वर्जन भी क्रिएट हो जाए तो उसके लिए आपको gzip कमांड के साथ में -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि आप file1.txt फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं और उसके साथ उसका अनकंप्रेस वर्जन भी आपको रखना है तो उसके लिए gzip कमांड इस प्रकार रहेगा gzip स्पेस -c स्पेस file1.txt उसके बाद रिडायरेक्शन सिंबल और उसके बाद में जो भी नेम आप उस अर्चीव को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। तो इस एग्जाम्पल में हमने असाइन किया है file1.txt.gz। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड file1.txt की एक कंप्रेस अचीव file1.txt.gz फाइल क्रिएट करेगा और साथ में उसका ओरिजिनल वर्जन या ओरिजिनल फाइल वैसी ही रहेगी, यानी आपके लिए इस कमांड की सहायता से आप उस फाइल का कंप्रेस वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ में उसका अनकंप्रेस वर्जन भी आप रख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखने ये है कि gzip टूल की सहायता से आप मल्टीपल फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस अचीव भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल फाइल्स का सिंगल कंप्रेस अचीव क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको gzip टूल के साथ में -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं file1.txt, file2.txt और file3.txt फाइल का एक सिंगल कंप्रेस अचीव क्रिएट करना चाहता हूं तो उसके लिए gzip कमांड रहेगा gzip स्पेस -c स्पेस file1.txt स्पेस file2.txt स्पेस file3.txt और उसके बाद रिडायरेक्शन सिंबल आपको यूज करना है और उसके बाद उस सिंगल कंप्रेस अचीव को आप जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको मेंशन करना है। तो इस एग्जांपल में हमने असाइन किया है file123.txt.gz उस कंप्रेस अचीव फाइल को। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड file1.txt, file2.txt और file3.txt का एक सिंगल कंप्रेस अचीव file123.txt.gz क्रिएट करेगा।
ऐसा नहीं है कि gzip टूल की सहायता से आप केवल फाइल्स को ही कंप्रेस कर सकते हैं। यदि आप किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस करना चाहते हैं तो भी आप gzip टूल की सहायता से उस डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं। तो यदि आप किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड रहेगा tar -cf --, उस डायरेक्टरी का पाथ, पूरा पाथ आपको मेंशन करना है जिस डायरेक्टरी को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद फाइल सिंबल और उसके बाद में gzip कमांड आपको लिखना है और उसके बाद में रीडायरेक्शन सिंबल आपको यूज करना है और उसके बाद में उस अर्चिव को जो भी आप नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं /etc/mysolution डायरेक्टरी को कंप्रेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड रहेगा tar -cf --etc/mysolution। उसके बाद पाइप सिंबल आपको लिखना है, उसके बाद gzip और उसके बाद में रीडायरेक्शन सिंबल और उसके बाद में जो भी नेम आप उसको असाइन करना चाहते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने असाइन किया है mysolution.gzip। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड /etc/mysolution डायरेक्टरी के लिए एक कंप्रेस अर्चिव mysolution.gzip क्रिएट करेगा। इसके अलावा दो मेथड और हैं जिनके थ्रू भी आप किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी की tar फाइल क्रिएट करें और उस tar फाइल को gzip टूल की सहायता से कंप्रेस कर दें। तो tar फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है tar -cf --, जो भी नेम आप उस tar फाइल को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है और उसके बाद में उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको मेंशन करना है जिस डायरेक्टरी को आप कंप्रेस करना या जिस डायरेक्टरी का आप tar फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। और tar फाइल क्रिएट होने के बाद में gzip टूल की सहायता से उस tar फाइल को कंप्रेस कर देना है। तो इस मेथड के थ्रू भी आप किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है जिसमें आप बिना gzip टूल यूज किए भी आप किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं या किसी डायरेक्टरी कंप्रेस अर्चिव फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होगा tar -cvzip ऑप्शन और उसके बाद में जो भी नेम आप उस कंप्रेस अर्चिव फाइल को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको मेंशन करना है और उसके बाद में उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको मेंशन करना है जिस डायरेक्टरी को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कंप्रेस अर्चिव क्रिएट करें tar कमांड की सहायता से तो आपको उस कंप्रेस अर्चिव फाइल के नेम में .gz या .tgz दोनों में से कोई एक एक्सटेंशन आपको मेंशन करना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो gzip फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं या जिस फाइल को हम कंप्रेस कर रहे हैं उस कंप्रेस फाइल का हमें रेशियो चेक करना है कि उसका कंप्रेशन रेशियो क्या रहा, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको gzip कमांड के साथ में -l ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप file1.txt.gz फाइल को का कंप्रेशन रेशियो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होगा gzip --l, उस फाइल का नेम आपको लिखना है file1.txt.gz। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ये कमांड उस कंप्रेस फाइल का रेशियो आपको बताएगा, कंप्रेशन रेशियो आपको बताएगा कि कंप्रेस होने से पहले उसकी साइज क्या थी, कंप्रेस होने के बाद में उसकी साइज क्या रही और कंप्रेशन रेशियो क्या रहा, ये आपको शो करेगा टर्मिनल स्क्रीन पर। उसके बाद gunzip कमांड की बात करते हैं। तो gunzip कमांड के बारे में पहले बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में कि gunzip कमांड का यूज किसी gzip फाइल को अनजिप करने या किसी कंप्रेस फाइल को अनकंप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी सिंगल फाइल को अगर आपको कंप्रेस करना है, अनकंप्रेस करना है, तो उसके लिए gunzip कमांड इस प्रकार होगा gunzip और उसके बाद में उस gzip फाइल का नेम आपको लिखना है जिसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप file1.txt.gz फाइल को अनकंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होगा gunzip --file1.txt.gz। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड उस कंप्रेस अर्चिव की जगह उस कंप्रेस अर्चिव को रिप्लेस करके उसका एक अनकंप्रेस वर्जन file1. जो भी होगा वो क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी आपका जो कंप्रेस वर्जन होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह उस फाइल का अनकंप्रेस वर्जन क्रिएट हो जाएगा।
यदि आप चाहते हैं कि उस फाइल का कंप्रेस वर्जन भी रहे और साथ में उसका अनकंप्रेस वर्जन भी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आपको gunzip कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होगा gunzip स्पेस हाइफन सी, और जिस फाइल को आप अनकंप्रेस करना चाहते हैं उस फाइल का नेम, और उसके बाद में रिडायरेक्शन सिंबल, और उसके बाद में जो भी नेम आप उस अनकंप्रेस फाइल को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं python.txt.gzip फाइल को अनकंप्रेस करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा gunzip स्पेस हाइफन सी स्पेस python.txt.gzip, उसके बाद रिडायरेक्शन सिंबल, और उसके बाद python.txt। जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं आप असाइन कर सकते हैं, मैंने असाइन किया python.txt। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि gzip कमांड इस मशीन में इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए कमांड होगा rpm हाइफन qa स्पेस gzip। तो इसमें पहले से ये बता रहा, शो कर रहा है कि इसमें पहले से gzip टूल इंस्टॉल है इस मशीन में। यदि अगर यदि gzip कमांड इसमें इंस्टॉल नहीं है, इस मशीन में अगर नहीं हो तो आपको इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे कर रहे हैं? उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा yum-y install space gzip space gunzip। ये कमांड आपको gzip और gunzip कमांड इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो अभी ये कमांड एग्जीक्यूट करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मशीन में पहले से ये इंस्टॉल है। तो टेक्स्टिंग पर्पज के लिए मैंने पहले से डायरेक्टिव क्रिएट करके डेमो डायरेक्टिव और उसमें कुछ टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट करके, तो सबसे पहले मैं उस डेमो डायरेक्टिव में मूव करता हूं और उसका कंटेंट लिस्ट आउट करता हूं। तो इसमें कुछ टेक्स्ट फाइल बनी हुई है और कुछ एक डेमो डायरेक्टिव बनी हुई इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी सिंगल फाइल को gzip टूल की सहायता से कंप्रेस करना हो तो कैसे करते हैं। तो मैं python.txt फाइल को कंप्रेस करना चाहता हूँ gzip टूल की सहायता से, तो उसके लिए gzip कमांड होगा gzip स्पेस python.txt। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड क्या करेगा कि इस फाइल को रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल फाइल को, टेक्स्ट फाइल को, और उसके जगह उसका कंप्रेस आर्काइव फाइल क्रिएट करेगा या कंप्रेस वर्जन क्रिएट करेगा। तो लिस्ट आउट करके देख लीजिए कंटेंट, देख लीजिए यहाँ पर python.txt फाइल रिप्लेस हो गई है python.txt.gzip फाइल से। यानी अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड उसकी ओरिजिन फाइल को रिमूव कर देगा और उसकी जगह उसका कंप्रेस आर्काइव क्रिएट करेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि gzip टूल की सहायता से उसका कंप्रेस वर्जन भी क्रिएट हो जाए और साथ में उसका उसकी जो ओरिजिन फाइल है वो भी रहे, तो उसके लिए आपको gzip टूल के साथ में gzip कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होगा gzip स्पेस हाइफन सी, मैं फाइल टू को कंप्रेस करना चाहता हूँ, और उसके बाद में रिडायरेक्ट सिंबल, और उसके बाद में जो भी नेम आप उस फाइल को उससे कंप्रेस आर्काइव फाइल को असाइन करना चाहते हैं तो वो नेम आपको लिखना है। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कमांड से आपकी जो ओरिजिनल फाइल है file2.txt वो रिप्लेस नहीं होगी और साथ में उसका कंप्रेस आर्काइव वर्जन भी आपको क्रिएट हो जाएगा। तो लिस्ट आउट करके देख लीजिए कंटेंट, देख लीजिए यहाँ पर file2.txt फाइल पहले भी अवेलेबल है और साथ में उसका कंप्रेस वर्जन भी अवेलेबल है। तो दोनों कमांड है, दोनों मेथड आपके पास, जो भी मेथड आपको पसंद आए वो मेथड आपको यूज करना है कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कैसे कंप्रेस करते हैं। तो जैसे यहां पर मेरे पास फाइल है file2.txt, file3.txt और file4.txt, इन तीनों फाइल को मैं एक साथ कंप्रेस करना चाहता हूं, तो उसके लिए gzip कमांड इस प्रकार रहेगा gzip स्पेस फाइल file2.txt file3.txt और file4.txt। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वन बाय वन तीनों फाइल को एक साथ कंप्रेस करेगा
और ये कमांड भी इनकी ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस कर देगा इनके कंप्रेस वर्जन के साथ में। देख लीजिए यहां पर इनकी जो ओरिजिनल फाइल थी ये ओरिजिनल फाइल यहां से रिप्लेस हो गई है और किस किन फाइल से इनकी जीजी फाइल या कंप्रेस वर्जन से फाइल 2.txt और gz फाइल 3.txt और gz और फाइल 4.txt और gz। तो इस प्रकार आप मल्टीपल फाइल्स को भी एक साथ जीजी टूल की सहायता से कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस आर्काइव कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन फाइल्स को इन gzip फाइल्स को अनजिप कर देता हूं जी अनजिप कमांड की सहायता से। तो जिस प्रकार आप gzip कमांड की सहायता से मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं उसी प्रकार आप जी अनजिप कमांड की सहायता से भी मल्टीपल gzip फाइल को एक साथ अनजिप कर सकते हैं। gunzip कमांड भी क्या करेगा, जो भी आपकी कंप्रेस फाइल होगी उसको रिप्लेस कर देगा उसके अनकंप्रेस वर्जन के साथ में। ठीक है, ये समानता है gzip और gunzip कमांड में। हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस आर्काइव कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मल्टीपल फाइल्स का कंटेंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल वन, ये फाइल वन का कंटेंट है और उसके बाद में फाइल टू का कंटेंट चेक कर लेते हैं और उसके बाद में फाइल थ्री का कंटेंट चेक कर लेते हैं। ये तीनों फाइल कंटेंट है। अब मैं इन तीनों अलग अलग फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस आर्काइव क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा gzip -c फाइल वन डॉट टी एक्स टी फाइल टू डॉट टी एक्स टी और उसके बाद में फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी और उसके बाद में रिडक्शन सिंबल और जो भी नेम आप उस सिंगल कंप्रेस आर्काइव को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड इन तीनों फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस आर्काइव क्रिएट करेगा। तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर इन फाइल्स का सिंगल कंप्रेस आर्काइव यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए इस फाइल को हम जी अनजिप कमांड की सहायता से अनजिप करते हैं। और उसके बाद में इस फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए इन तीनों फाइल का कंटेंट यहां पर शो हो रहा है। तीनों फाइल का कंटेंट एक सिंगल फाइल में एड हो गया है। तो इस प्रकार आप मल्टीपल फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस आर्काइव भी gzip टूल की सहायता से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद किसी डायरेक्टरी को gzip टूल की सहायता से कैसे कंप्रेस करें, तो उसके लिए कमांड रहेगा कि यदि आपको किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है gzip टूल की सहायता से तो उसके लिए कमांड रहेगा tar -cf space -space उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको मेंशन करना है जिस डायरेक्टरी को आप कंप्रेस करना चाहते हैं और उसके बाद पाइप सिंबल और उसके बाद में gzip और उसके बाद में रीडायरेक्शन सिंबल और उसके बाद में जो भी नेम आप उस कंप्रेस आर्काइव को असाइन करना चाहते हैं। तो मैं दे रहा हूं ए और टी ए डॉट gzip, ये नेम मैं उस फाइल को असाइन करना चाहता हूं। तो जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ये कमांड उस डायरेक्टरी का एक कंप्रेस आर्काइव ए डॉट जेड क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार आप किसी डायरेक्टरी को भी gzip टूल के सहायता से कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा दो मेथड और हैं जिनके थ्रू हम किसी डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी को एक टार फाइल क्रिएट करें और उस टार फाइल को gzip टूल के सहायता से कंप्रेस कर दें। तो उसके लिए tar -cf सॉरी cf
वी फॉर वर्क वॉच, अभी मुझे शो नहीं करना है इसलिए मैं वी ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, टायर हैपेंस ही है। उसके बाद माई टी आई आर डॉट टायर और उसके बाद माई टायर, तो देख लीजिए इसकी टायर पर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है माई डी आई आर डॉट टायर। और उसके बाद में इस टायर फाइल को जीजी टूल की सहायता से कंप्रेस करते हैं। तो देख लीजिए यहां पर उसकी उस टार फाइल की एक कंप्रेस अर्चीव फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा एक मेथड और है जिसके थ्रू भी आप किसी डायरेक्टरी की कंप्रेस अर्चीव फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है विदाउट gzip टूल यूज के लिए CFZ ऑप्शन, और उसके बाद में जो भी नेम आप उस जीजी फाइल को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। तो मैं दे रहा हूं माई डी आई आर 1.tgz और उसके बाद में उस डायरेक्टरी का आपको पूरा पाथ लिखना है। तो विदाउट gzip टूल यूज के भी किसी डायरेक्टरी की कंप्रेस अर्चीव फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि किसी gzip फाइल का कंप्रेशन रेशियो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको gzip कमांड के साथ में हाइफन एल ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं किसी gzip फाइल का कंप्रेशन रेशियो माई डी ए आर डॉट आर डॉट gzip। ये कंप्रेशन रेशियो बता रहा है कि जब ये फाइल कंप्रेस हुई तो उसकी साइज इतनी हो गई और जब ये फाइल अनकंप्रेस थी तब इसकी साइज इतनी थी। और कंप्रेशन रेशियो जो है वो रहा 98.4% और अनकंप्रेस्ड वर्जन का जो नेम था वो था ydir.tar। यानी इस कमांड के सहायता से इस प्रकार आप किसी gzip फाइल का कंप्रेशन रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि किसी gzip फाइल को अनजिप कैसे करते हैं। तो ये मैंने बता चुका हूं कि अनजिप कमांड की सहायता से आप किसी gzip फाइल को अनजिप कर सकते हैं। तो देख लीजिए अनजिप स्पेस फाइल 21.txt। जैसे आप ये कमांड एग्जिट करेंगे तो ये कमांड क्या करेगा कि इसकी ओरिजिनल फाइल को जो कंप्रेस अर्चीव फाइल है इसको ये रिप्लेस कर देगा इसके अनकंप्रेस वर्जन के साथ में। तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए उस फाइल की यहाँ पे उस gzip फाइल का इस gzip फाइल का अनकंप्रेस वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और उसका ओरिजिनल जो वर्जन था कंप्रेस वर्जन वो यहाँ पे नहीं है। यानी वो वर्जन इस फाइल के साथ में रिप्लेस हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि किसी gzip फाइल का अनकंप्रेस वर्जन भी क्रिएट हो जाए और साथ में उसका कंप्रेस वर्जन भी रहे तो उसके लिए आपको अनजिप कमांड के साथ हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक gzip फाइल क्रिएट कर लेता हूं, gzip स्पेस फाइल 1.txt। इस फाइल को मैं कंप्रेस करता हूं और उसके बाद में gnzip file1.txt। तो जैसे आप ये कमांड एग्जिट करेंगे तो इस कमांड से उसका अनकंप्रेस वर्जन भी क्रिएट हो जाएगा और साथ में उसका जो कंप्रेस वर्जन है वो भी रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर file1.txt.gz फाइल भी है और file1.txt दोनों फाइल अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि gzip टूल की सहायता से सिंगल फाइल को कैसे कंप्रेस करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कैसे कंप्रेस करते हैं, मल्टीपल फाइल्स का एक सिंगल कंप्रेस अर्चीव कैसे क्रिएट करते हैं, किसी डायरेक्टरी को gzip टूल की सहायता से कैसे कंप्रेस करते हैं, किसी gzip फाइल का कंप्रेशन रेशियो कैसे चेक करते हैं और किसी gzip फाइल को अनजिप कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।